So today we are discuss most important topic for all aspirant UPSC aspirant ki how can I select optional. Hello everyone, myself Chetna, career psychologist with Yojana IAS. So today we are discuss most important topic for all aspirant UPSC aspirant ki how can I select optional and why do we choose PSR as an optional. Basically aaj main kuch पॉइंट डिस्कस करूँगी आपके साथ कि हमें ऑप्शनल को ऑप्ट करने से पहले किस किस मतलब बेसिकली किस पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए अपने ऑप्शनल को ऑप्ट करना चाहिए एंड पीएसआर की क्या इंपॉर्टेंस है बेसिकली वो किस तरीके से आपको पूरे एग्जाम में हेल्पफुल रहता है अगर आप उसको एज अ ऑप्शन सिलेक्ट करते हो तो कुछ पॉइंट्स मैं डिस्कस करूँगी आपके साथ. देखिए फर्स्ट चीज़ तो आपको ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि जो ऑप्शनल है आपका यूपीएससी में, अगर मैं यूपीएससी की बात कर रही हूँ यहाँ पे ऑप्शनल के यूपीएससी जो है आपको 48 आपको ऑप्शन देती है कि आप जो है जो भी आपका इंटरेस्ट है जो भी आपको ऑप्शन लेना तो एक ऑप्शनल आपको यहाँ से ऑप्ट करना होता है. ठीक है, इसका नंबर ऑफ मार्किंग की बात करूँ तो 500 मार्क का क्या होता है आपका ऑप्शन होता है, ये चीज़ आप सभी को पता होगा. लेकिन मैं आज आपको कुछ पॉइंट डिस्कस करूँगी, कोई भी ऑप्शनल ऑप्ट करने से पहले आपको कुछ एसेंशियल जो कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको पता होना बहुत ज़रूरी है ताकि वो आपको कहीं ना कहीं पूरे एग्ज़ाम में हेल्पफुल रहे. क्योंकि ऑप्शनल देखो ऐसे ही नहीं कि आप कुछ भी चलो मेरे फ्रेंड ने ये लिया तो मैं उसको देखते हुए कुछ ऑप्शन ले लूँ, नहीं आपको किसी से आपको इन्फ्लुएंस होकर हमें लिए लेना हो तो आपको खुद अपना देखो कि आपका क्या इंटरेस्ट है. फाइन, तो देखिए फर्स्ट जो चीज़ आपको होना चाहिए वो है आपका इंटरेस्ट ऑफ द एस्पिरेंट इन द सब्जेक्ट. देखिए आप कोई भी ऑप्शन ऑप्ट करने से पहले ना आपको होना चाहिए उसमें इंटरेस्ट, कि अगर आपका इंटरेस्ट है उस सब्जेक्ट में. इंटरेस्ट से मेरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये है कि आपको ऑप्शन सिलेक्ट करने से पहले आप उसके सिलेबस को गो थ्रू करो. सिलेबस देखो किसी भी ऑप्शनल को आप ऑप्ट कर रहे हो ना तो उसके सिलेबस को देखो कि उसका सिलेबस क्या है, उसमें क्या पूछ रहे हैं. सपोज अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट हो है ना, आपने ले लिया कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी तो आपने सिलेबस देखा नहीं, आपने देख लिया चलो मैंने कहीं ना कहीं टेंथ तक पढ़ा कॉमर्स तो मेरा इंटरेस्ट है मैथ वगैरह में, बट नहीं ऐसा नहीं होता. इवन जो कॉमर्स के भी स्टूडेंट्स होते हैं ना तो वो भी नॉन अकेडमिक सब्जेक्ट्स लेते हैं जो कहीं ना कहीं उनके सब्जेक्ट से बिल्कुल अलग होता है, उन्होंने नहीं पढ़ा होता, सिर्फ और सिर्फ टेंथ तक पढ़ा होता है. तो आपका ऑप्शनल सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट चीज़ जो प्रेफरेंस रखो वो रखो अपना इंटरेस्ट. तो उसके लिए आप देखो सिलेबस. सिलेबस के बिना हम आप सपोज पी एस आर की बात करूं, अगर आप वो ऑप्शन देख रहे हो तो आप देखो कि पेपर वन और पेपर टू किस किस टॉपिक के बारे में उसके बारे में दे रखा है. लाइक पेपर अगर आपको आपका इंटरेस्ट है कि आपको थ्योरीज पढ़ना, पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ना या फिर आपको फिलोसफी पढ़ना, आपको थिंकर्स की थिंकर्स के आइडियाज़ में अगर आपको इंटरेस्ट है लाइक इसमें आप हीगल कांट कार्ल मार्क्स ठीक है ये आप इसमें पढ़ते हो मार्क्स वगैरह, तो बेसिकली अगर आपको आइडियाज़ में आपको इंटरेस्ट आपको थ्योरीज पढ़ना अच्छा लगता है तो आपके लिए बेस्ट है पीएसएआर. ठीक है, तो आप अपना इंटरेस्ट डेवलप अगर करना चाहते हो ऑप्शन लेकर तो फर्स्टली तो सिलेबस को आप क्या करो गो थ्रू करो अच्छे से. नाउ सेकेंड चीज़ की बात करूँगी वो है आपका एस्पिरेंट इन द टाइम मैनेजमेंट. देखिए आपको किसी भी ऑप्शन को ऑप्ट करने से पहले आपको होना चाहिए आप क्या उसको मैनेज कर पा रहे हो. मैनेज से मतलब है क्या टाइम के अकॉर्डिंग मैनेज कर पा रहे हो. सपोज अगर आपने मतलब बेसिकली देखो ये बहुत ज़्यादा सिलेबस का वास्ट है, आप सभी को पता है प्रीलिम्स भी आपके दो पेपर होते हैं, मेंस में आपके 9 पेपर होते हैं, 9 पेपर में जो दो पेपर होते हैं वो आते हैं आपके ऑप्शनल के. तो कहीं ना कहीं आपको सिर्फ और सिर्फ ऑप्शनल ही तो नहीं पढ़ना 500 नंबर का, उसके अलावा भी आपके जनरल स्टडीज़ के पेपर होते हैं 4 पेपर. ठीक है, सभी पे आपको क्या करना है आपको फोकस करना है, सभी को इक्वली आपको मार्क्स देना है. तो अकॉर्डिंग टू उसकी मैं बात करूँ तो आपको देखना बनता है पूरा का पूरा कि क्या आप उसको टाइम मैनेज कर पा रहे हो उस ऑप्शनल के साथ. सपोज आपने कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी रखा या फिर अगर आपने कुछ भी अदर बॉटनी अदर सब्जेक्ट रखा जो ऐसा है ऑप्शन जो कि सिर्फ और सिर्फ आपको यूपीएससी के किसी भी मतलब पेपर में आपको हेल्प नहीं कर रहा, आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ना ही है आपको एडिशनल में. फाइन, मैं किसी भी ऑप्शनल को यहाँ पे वो नहीं कर रही कि भाई गलत है या फिर आपको ये नहीं सिलेक्ट करना चाहिए, मैं सिर्फ और सिर्फ ये समझाना चाह रही हूँ आपको कि ऑप्शनल डिसाइड करने से पहले आपको उसको रखो कि टाइम क्या उसको मैनेज कर पा रहे हो आप. सपोज आपने
कॉमर्स आपने अगर सीए हो आप या फिर आपने बीकॉम, आपने कहीं ना कहीं उसको 5 साल दे रखा है तो आपके लिए बेस्ट है। अदरवाइज आपको लगता है कि आपने सिर्फ ग्रेजुएशन करी है ठीक है और आप ले रहे हो उसको, तो कहीं ना कहीं वो आपके लिए गलत रहेगा। क्योंकि ऑप्शनल देखो इम्पॉर्टेंट बहुत ज़्यादा होती है, इसको आप उसको मैनेज कर पा रहे हो, टाइम के अकॉर्डिंग उसको फिनिश कर पा रहे हो, अदर सब्जेक्ट्स में भी आपको क्या वो हेल्पफुल हो रहा है, तो ये चीज़ों को बहुत ध्यान में रखो। नाउ इम्पॉर्टेंट है द राइट गाइडेंस इन द ऑप्शनल। होता है क्या है स्टूडेंट्स, अगर आपको गाइडेंस नहीं मिल रही जिस भी ऑप्शनल को आप ऑप्ट कर रहे हो तो वो आपके लिए फिर क्या है, सही नहीं है। तो किसी भी ऑप्शनल को ऑप्ट करने से पहले आपको गाइडेंस भी अगर उसकी मिल रही है, आपको आपके सीनियर या फिर आपके टीचर्स अवेलेबल हैं उस चीज़ के लिए, तो तभी आप ऑप्शनल को ऑप्ट कर पाओगे। एंड लास्ट इज़ क्या आपका इकोसिस्टम, गुड इकोसिस्टम। देखिए इकोसिस्टम से मतलब आपका क्या है, गुड कॉम्बिनेशन ऑफ द गुड टीचर्स, कंटेंट, आंसर राइटिंग प्लस टेस्ट सीरीज एंड रेगुलर क्लासेस, ये सभी चीज़ जो है आपका एक अच्छा एक गुड इकोसिस्टम क्या करता है आपका क्रिएट करता है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि भाई आप कोई भी ऑप्शन अगर आप ऑप्ट कर रहे हो तो आपको बेसिकली क्या उसके टीचर्स अवेलेबल हैं ठीक है, गुड टीचर, आपकी कंटेंट है क्या मार्केट में, टेस्ट सीरीज एंड ऑल, ये सब चीज़ें आपको आपको सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन डिसाइड नहीं, आपको एक अच्छा ऑप्शन में आप स्कोर कर पाओ, ये सारी चीज़ें क्या होती है एसेंशियल होती है आपके ऑप्शनल के लिए ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स मैंने आपको बताए। अब हम बात करेंगे बेसिकली PSAR की, अगर आपको लगता है कि इन सब पॉइंट्स से अगर आपका इंटरेस्ट आ रहा है किसमें, PSAR ऑप्शनल में, तो किस तरीके से इम्पॉर्टेंस क्या है PSAR ऑप्शनल की। देखिए PSAR जो ऑप्शन है ना वो आपका एक तरीके से आपका इंटरडिसिप्लिनरी है आपका एक सब्जेक्ट PSAR। इंटरडिसिप्लिन से मेरा मतलब है कि आपको ये पूरे के पूरे UPSC एग्जाम में, होल UPSC एग्जाम में किस तरीके से किस किस पोर्शन पे आपको हेल्प करता है वो मैं कुछ पॉइंट्स बताऊंगी आपको। मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैं बताऊंगी GS पेपर वन। देखिए पेपर वन में आपका नेशनल मूवमेंट जो सेक्शन है वो आपका मॉडर्न हिस्ट्री का सेक्शन है, फाइन, जो कि पूरा का पूरा आप इसमें PSAR में भी हम पढ़ते हैं नेशनल मूवमेंट। तो देखो GS पेपर वन में जो नेशनल मूवमेंट सेक्शन है मॉडर्न हिस्ट्री का, वो पूरा का पूरा कनेक्टेड है किसे, PSAR ऑप्शनल, क्योंकि उसमें भी हम PSAR ऑप्शनल में पढ़ते हैं। एंड सेकेंड चीज़ जो आप इंडियन सोसाइटी पढ़ते हो क्वेश्चन, वो पूरा का पूरा कवर करता है इंडियन गवर्नेंस को एंड द पॉलिटिक्स सेक्शन को, फाइन। तो GS पेपर वन में किस टॉपिक से आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके जो कवर करता है PSAR ऑप्शनल, वो मैंने आपको बताया। नाउ सेकेंड इज GS पेपर, उसमें देखो GS पेपर जो सेकेंड है आपको एंटायरली अबाउट पॉलिटी एंड गवर्नेंस, पॉलिटी एंड गवर्नेंस जो कि आप पेपर टू में आप पूरा का पूरा पढ़ते हो पॉलिटी एंड गवर्नेंस PSAR की, जिसमें बेसिकली आप पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नेंस आप पढ़ते हो, तो पूरा का पूरा हेल्प करता है आपको पेपर टू में। तो जहाँ स्टूडेंट्स अलग से ऑप्शन जो भी अलग कुछ इसके अलावा ऑप्ट करता है लगता है आपको ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं वो आपको अलग से पढ़ना ही है, बट PSAR की इम्पोर्टेंस हम पढ़ रहे हैं कि GS पेपर वन में नेशनल मूवमेंट, GS पेपर टू में जो पॉलिटी एंड गवर्नेंस पढ़ते हैं पूरा का पूरा पोर्शन आपको कवर करता है PSAR ऑप्शनल। ओके नाउ थर्ड इस बात करेंगे पेपर थर्ड की। देखिए पेपर थर्ड जो है आपका ऑप्शनल है, ये क्या यहाँ पे हेल्प करता है बेसिकली जो आपका सिक्योरिटी इश्यूज हम पढ़ते हैं एंड आपके जो एरियाज होता है इकोनॉमिक्स, जिसमें डायरेक्टली आपको पूछता है UPSC पॉलिटिकल इकोनॉमी के ऊपर, जो कि आपको रिलेवेंस होता है PSAR में ठीक है। तो किस तरीके से PSAR में आपको इकोनॉमिक का जो पोर्शन एरिया कवर करता है वो पेपर थ्री में आपको हेल्प करता है। नाउ किस तरीके से वो स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा जो एडवांटेज मिलता है वो पेपर फोर्थ में मिलता है, इसको आप एथिक्स की हम बात कर रहे हैं। देखिए पेपर फोर जो एथिक्स है, ये जो सेक्शन बेसिकली इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि हम पेपर वन में जो थिंकर्स को पढ़ते हैं उससे डायरेक्ट आपकी क्वेश्चंस पुटअप होता है, उनकी जो सेक्शन होता है लाइक फिलोसफिकल, इसमें आप पढ़ते हो गवर्नेंस एंड जो भी उनकी फिलोसफी है उनके बारे में, आप इसमें डायरेक्ट आप अपने आइडियाज उनके थ्योरीज में डायरेक्ट आप पुट कर सकते हो।
तो पेपर फोर्थ में जो एथिक्स आप पढ़ते हो किस तरीके से आपको पीएसएलआई हेल्प करता है। नाउ ऐसे पेपर की हम बात करेंगे जो कि आपका 250 मार्क का होता है। ऐसे टॉपिक्स आर बिकमिंग मोर फिलोसफिकल यूजिंग क्वाइट्स विच इज कवर इन थियोरेटिकल सिलेबस ऑफ द पीएसएलआई। किस तरीके से आपका जो एससी का पेपर होता है उसमें हम जो क्वाइट्स वगैरह जो पुटअप करते हैं वो आपको डायरेक्ट आप पीएसएलआई ऑप्शन में जो आप जो उनकी थिंकर्स की जो क्वाइट्स हैं उनकी जो आइडियाज हैं हम उनके अच्छे से थॉट इसमें डायरेक्ट डाल सकते हैं। तो आपको लास्ट टू 2021 के अगर पेपर्स अगर आप देखते हो तो उसमें डायरेक्ट आपके क्वेश्चंस भी ऐसे आए हैं हीगल और कार्ल मार्क्स की जो उनकी टॉपिक्स हैं लाइक। ठीक है, अब बात करेंगे हेल्प करता है इन प्रीलिम्स पेपर। देखिए प्रीलिम्स पेपर की हम बात करेंगे किस तरीके से आपको हेल्प करता है। ऑलमोस्ट जो प्रीलिम्स का पेपर होता है आपका जीएस पेपर उसमें 20 से 21 क्वेश्चन जो है ना डायरेक्ट आते हैं आपके पीएसएलआई ऑप्शनल के। तो किस तरीके देखो स्टूडेंट्स मैं सिर्फ जनरल स्टडीज पेपर की ही नहीं बता रही आपको सारे पेपर लाइक एसे एथिक्स जनरल स्टडीज के तीनों पेपर में हेल्प करता है आपका पीएसएलआई। इवन एस प्रीलिम्स का पेपर जनरल स्टडीज पेपर वन में डायरेक्ट आपके 20 से 21 क्वेश्चन डायरेक्ट आपके यहाँ से पुटअप होते हैं ओनली ऑफ इस सब्जेक्ट से पीएसएलआई ऑप्शनल से। एंड करंट अफेयर्स की बात करूँ तो कम से कम 40 से 50 जो एरियाज कवर करता है ना पॉलिटिकल साइंस पीएसएलआई ऑप्शनल ही कवर करता है। कैसे इसमें आप जैसे पॉलिटिक्स पॉलिटी एंड अमेंडमेंट आपकी पॉलिसी जो हमारी चेंजेस होती है इवन जो आईआर इंटरनेशनल रिलेशन में क्या क्या अपडेशन है वो सारा का सारा आपका करंट अफेयर्स का ही पोर्शन होता है। वो तो डायरेक्ट आपका पूरा का पूरा कनेक्टेड है किससे पीएसएलआई ऑप्शनल से। तो देखो किस तरीके से इम्पोर्टेंट रखता है मैं देखिए आपको किसी भी ऑप्शनल को लेकर यहाँ पर नेगेटिविटी नहीं बता रही कि ये आपके लिए नहीं है। बेसिकली मैं इम्पोर्टेंस आपसे डिस्कस करूँ कि पीएसएलआई की कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि अगर आप इसको ऑप्शनल एज ए ऑप्ट करते हो तो। ओके नाउ देखिए मैं हाँ बेसिकली योजना आईएएस हमारा दिल्ली मुखर्जी नगर में हम कोचिंग प्रोवाइड करते हैं ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों में हम क्लासेस प्रोवाइड करते हैं। हम बात करें पीएसएलआई तो पीएसएलआई देखो ऑप्शनल हम प्रोवाइड करते हैं तो उसकी फैकल्टीज जो हमारे संदीप सर हैं जो आपको पीएसएलआई बेसिकली पढ़ाएंगे ये जो है आपके पीएचडी स्कॉलर हैं इन पॉलिटिकल साइंस फ्रॉम अ जेएनयू एमफिल एमए पॉलिटिकल साइंस में किया इन्होंने इन्होंने जेआर ऑफ नेट क्लियर किया हुई फर्स्ट अटैम्प्ट में किस तरीके से क्लियर कर रहे हैं यूपीएससी मेंस 20 से 21 और ये बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस फैकल्टीज है संदीप सर जिनसे आप लोगे। तो अगर कोई भी स्टूडेंट इंटरेस्ट रखता है पीएसएलआई ऑप्शनल में तो यहाँ पे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो योजना आई है इसमें।